दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे कि कैंडलस्टिक पैटर्न फेल क्यों होती है। एक प्रॉपर एनालाइज के साथ प्रॉपर बुलिश या बियरिश पैटर्न को कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करने के बाद भी वहीं से ट्रेंड रिवर्स क्यों हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, जब भी हम कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करते हैं तो शायद वहाँ पर हम मार्केट के स्ट्रक्चर को देखते ही नहीं कि अभी यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर चल रहा है। जैसे कि लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर चल रहा है और वहाँ पर हम बुलिश पैटर्न को ट्रेड करने जाएंगे तो वहाँ पर दोस्तों वो स्टॉक नीचे ही जाएगा, क्योंकि वो डाउनफॉल में है। उसका एक पर्टिकुलर लेवल टूटना चाहिए, ये लेवल टूट जाता है उसके बाद ही वहां पर ट्रेड करना चाहिए, उसके बाद ही स्टॉक बुलिश हो सकता है। वैसे ही दोस्तों, हायर हाई हायर लो के स्ट्रक्चर में होता है, वहां पर स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा होता है और बीच में कहीं बियरिश पैटर्न बनती है तो हम वहां पर शॉर्ट करते हैं और फिर हमारा वहां पर स्टॉप लॉस हिट होता है। क्योंकि दोस्तों, तुरंत शॉर्ट नहीं करना होता, उसका वो स्ट्रक्चर टूटने का वेट करना होता है। ये लेवल अगर नीचे टूटता है तभी वो डाउनफॉल में जा सकता है। दोस्तों, अगर इस चीज को आपको सही से समझना है तो कमेंट बॉक्स में फुल वीडियो की लिंक है, उसे एक बार जरूर चेक कीजिए।